छत्तीसगढ़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र खुटे। तो चले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जगदलपुर लोकसभा चुनाव प्रचार का सिलसिला 9 अप्रैल को थम जाएगा। इससे पहले बचे दो दिनों पर भरपूर लाभ राजनीतिक दल उठाने में जुट गए हैं। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने बस्तर पहुंचे। वे दो दिनों तक कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। जगदलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, बस्तर को पुराने युग में पहुंचा दिया गया है। हमने 15 साल बस्तर विकास के लिए जमकर काम किया है, लेकिन अभी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। रमन सिंह ने आगे कहा कि बस्तर में सबसे बड़े कुपोषण को लेकर हमने जंग शुरू की थी। इसके तहत सस्ता चना चावल हम दे रहे थे, मगर उसे भी बंद कर दिया गया। अब तक कांग्रेस की सरकार ने 7 बार लोन लिया है, फिर भी उनकी गाड़ी पटरी पर नहीं लौट रही। बस्तर की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी दोहरी नीति अपना रही है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आज मैं जगदलपुर आया हूँ। यहाँ के लोकसभा क्षेत्रों में न केवल जनसंपर्क है, बल्कि अलग अलग सामाजिक स्तर के लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है। और ये चुनाव अभियान का इस दौर में मैं कह सकता हूँ कि आज जिस प्रकार देश के अंदर वातावरण का निर्माण हुआ है, मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, जो एक पूरे देश में सकारात्मक वातावरण बना है, उसका लाभ निश्चित रूप से बस्तर को मिलेगा। और बस्तर में तो जो डेवलपमेंट हमने 15 साल किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, अजीब बात है कि विकास को आगे बढ़ाने का काम जो सरकार करती है, विकास के कामों को और गति देने का काम करती है, ये तो उल्टे दिशा में रिवर्स गियर में 100 दिन में ही शुरू कर दिए हैं कि उल्टा दिशा कैसे जाया जा सकता है। सारे निर्माण कार्य, विकास काम ठप हो गए हैं। एजुकेशन हब, BPOs जो स्टार्ट किए गए थे, यहाँ के जो अच्छे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हमने चिकित्सा की व्यवस्था की थी, अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था की थी, नर्सेस की व्यवस्था की थी, एक प्रकार से ऐसा हो गया कि बस्तर को पुराने दिनों में ले जाने की साजिश चल रही है। ये दूसरा सबसे बड़ा बात जो पीड़ाजनक है कि यहाँ के लिए योजना बनी थी गरीबों की कुपोषण के लिए, लड़ाई के लिए, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, चना देने की योजना, नमक देने की योजना, इन योजनाओं को भी एक प्रकार से साजिश के तहत पैसे की कमी बता के बंद किया जा रहा है। वित्तीय संकट में फंसी हुई सरकार आज 7 बार कर्ज ले चुकी है, 7 बार, और आने वाले हर महीने में एक बार उनको कर्ज लेने की जरूरत होगी। तनखे देने की स्थिति ही नहीं है, सर्वर डाउन हो चुका है, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहे हैं, गरीबों की साइकिल से लेकर सारी योजनाएं ट्रैवल एरिया में बंद की जा रही है। तो मुझे लगता है ये सरकार के 100 दिन के लक्षण दिख गए और लोकसभा में भी इसका असर दिख गया। डॉक्टर साहब, लेकिन भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि 50,000 करोड़ का कर्ज जो है विरासत में मिला छत्तीसगढ़, वो वित्त मंत्री अभी 100 दिन हुए हैं बने हैं, मैं तो 15 साल वित्त मंत्री था, और 15 साल की वित्तीय स्थिति को यदि कोई देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि 15 साल में सिर्फ और सिर्फ 28,000 करोड़ का कर्ज दिया गया, यानी हर साल 2,000 करोड़ का, और हमने कानूनी आर्थिक व्यवस्था को पूरे संभाल के रखा। जो हमारी वित्तीय घाटे की स्थिति है उसको 3% से आगे बढ़ने नहीं दिया, 6% हो गया है वित्तीय घाटा, 6% सिर्फ 100 दिन के अंदर हो गया है और पूरी तरीके से ट्रेजरी फेल हो चुकी है। तो ऐसी वित्तीय स्थिति तो मैंने 15 साल में नहीं देखी, जो 100 दिन में आज प्रदेश की हालत में गड़बड़ है। आपके शीर्ष नेता को वो चैलेंज कर रहे हैं 60 महीने बनाम 60 दिन डिबेट करने के लिए। 55 महीने और 5 साल मोदी जी का जो देश देख रहा है, और उनके 100 दिन के कामों को जनता इस बार के लोकसभा चुनाव में ही उसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में सामने।